मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में उस समय चीख पुकार मच गई जब गणेश विसर्जन के दौरान चार युवक रामगंगा नदी में बह गए। किसी तरह मौजूद लोगों ने तीन युवकों को तो बचा लिया, लेकिन एक युवक नहीं मिला जिसकी तलाश जारी है। इसके बाद स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन से नाराज हो गए, क्योंकि विसर्जन के समय सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए थे। साथ ही सूचना के बाद भी पुलिस टीम राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंची। इस पर लोगों ने दिल्ली लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में गणेश विसर्जन के दौरान चार युवक गहरे पानी में अचानक डूबने लगे। आसपास खड़े गोताखोरों ने तीन युवकों को डूबने से बचा लिया, लेकिन चौथा युवक योगेश गहरे पानी में समा गया। गणेश विसर्जन करने आए अन्य लोगों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने ना खुद मदद की और ना ही उन्हें मदद करने दी। आरोप है कि पुलिस ने उनके ऊपर बल प्रयोग भी किया। तीन घंटे तक भी जब कोई मदद पुलिस प्रशासन की तरफ से हादसे वाली जगह पर नहीं पहुंची, आक्रोशित लोगों ने दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन आक्रोशित लोग जाम खोलने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पहले गोताखोरों की टीम बुलाई जाए, उसके बाद ही वह जाम खोलेंगे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवा दिया। लोगों का कहना है कि जब जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस को पता था कि गणेश जी का विसर्जन करने लोग आ रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को वहां पर गोताखोरों की टीम और एक नाव का इंतजाम पहले से ही करके रखना चाहिए था। फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही की जिसमें खामियाजा युवक को भुगतना पड़ा। गणेश विसर्जन के लिए गया था भांजा हमारा, उसकी गड्ढे में जाने से डूब गया। हम फिर पुलिस वालों से हमने गुहार लगाई अपनी पुलिस प्रशासन से कि हमने गुहार लगाई कि हमारे बच्चे को बचा लिया जाए, तो पुलिस वालों ने हमारा लाठी से स्वागत करा है। लाठी चार्ज कर दिया। कितने बजे बच्चा डूबा था? ये 6 बजे के समथिंग 6 बजे के। अब क्या बजा है? अब 9 से ज्यादा बजा है सर। अभी तक कोई पुलिस कोई भी पुलिस सुनवाई नहीं हुई सर। तो हमें जाम क्यों लगाया है, किसने लगाया? अब हमने ये बोलो पुलिस से सतावना खत्म करते हुए हमने ये वो करा है कि पुलिस प्रशासन हमारी सुने, हमने इसलिए रोड जाम करा है। कोई भी जिला अधिकारी हो या SSP साहब, कोई भी हमारी इस 6 बजे से जो घटना हुई है 9 बजे तक कोई नहीं आया। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पुलिस ने और रोका गया, पुलिस ने हम लोगों को रोका, पुलिस ने हम लोगों को रोका और हमारे जो लोग थे तैरने वाले उनको भी रोका गया। इन्होंने भी किसी गोताखोर को नहीं बुलाया, ना ही किसी कोर्ट का इंतजाम करा गया वहाँ पे, और हम पे ही मारने को चढ़ गए लोग। तो मैं लोगों के साथ में यहाँ गंगा जी पर आया था देखने के लिए, तो मैं बाहर खड़ा था जहाँ पर पीतल नगरी के जो चौक इंचार्ज थे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उस बेड़े के साथ में ये मूर्ति विसर्जन के लिए अंदर गई, मूर्ति भारी थी, उसके कारण कुछ गोताखोर भी मूर्ति के साथ अंदर गए थे। तो ये चार लड़के लगभग मूर्ति के साथ गए थे, वो थोड़ा सा शायद मुझे लगता है आगे चले गए थे, क्योंकि मैं बाहर खड़ा था और दूर से कम दिखाई दे रहा था मुझे। लगभग 6 बजे का ये वाक्या था जब लोगों ने चर्चा करनी शुरू करी कि वहाँ पर कुछ लड़के डूबे हैं, तो उनमें से कुछ लड़कों को बचा लिया गया था, लेकिन उस लड़के का अंदाजा नहीं हो पाया कि लड़का वाकई ही वहाँ पर डूब चुका है। तो जैसे 10 मिनट के बाद कंफर्म हुआ कि लड़का वहाँ पर डूब चुका है, तब जो मौजूदा पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, ड्यूटी थी जिनकी, उनको अवगत कराया था कि वहाँ पर एक लड़का डूब चुका है। तो उसी समय काश थोड़ा सा जल्दी प्रयास किया जाता तो हो सकता था कि वो लड़का जल्दी मिल सकता था। प्रयास ये हो सकता था यहाँ पर नाव की व्यवस्था हो सकती थी, अगर हाँ बोर्ड बोर्ड और जो गवर्नमेंट की साइड जो गोताखोर होते हैं गवर्नमेंट के, वो वहाँ पर हो सकते थे। तहसीलदार सदस्य से बात हुई है, तो जस्ट जो है वहाँ से नाव लेकर निकल लिए हैं और वो यहाँ रहे। मैंने 7 बजे भी यहाँ का बैकअप लिया था और 7 बजे मुझे बताया गया था, मेरे इंस्पेक्टर कटघर से बात हुई थी कि जो गणेश जी की मूर्ति विसर्जन का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट जैसे पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है तो हम लोग तत्काल आए। आपको नहीं लगता प्रशासन को विसर्जन के दौरान इससे इंतजाम करने चाहिए थे सुरक्षा के? मेरे ख्याल से जो है इस समय सबसे जरूरी चीज़ यह है कि अभी जो सामने समस्या है सबसे पहले उसको टैकल कर लीजिए, उसके बाद जो है JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।